नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय पुलिस चौकी की तस्वीरें, सदर बाजार की पुलिस चौकी, जहां पर लोग आते हैं और बताया जाता है रात को लगभग 11-12 बजे के आसपास जो है एक मर्डर होता है, और मर्डर एक व्यक्ति का, लगभग 43 से 44 साल का व्यक्ति है, और बता रहे हैं कि काफ़ी सारे बदमाश जो है उसके पीछे चाकू लेकर जो है भागते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, बातचीत करेंगे। जी कहाँ मर्डर हुआ था, किस तरीके से, कौन है वो व्यक्ति जिनको मारा है? दिनेश था वैसे, जो रात को मैं मौके पर था नहीं, लेकिन बाद में पता लगा था। अच्छा। आप अंदर आ जाओ एक बार, मैं आपको उनकी फैमिली बैठी अंदर, उनसे मिलवा देता हूँ जी। और इस समय आप देख सकते हैं परिवार के काफ़ी सारे लोग हैं जिनके घर पर झगड़ा चल रहा था, बता रहे हैं झगड़ा किसी और के घर पर चल रहा था, रोकने कोई और व्यक्ति आया और फिर जाकर उस व्यक्ति को चाकू जो है वो मार दिए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं भी हैं। जी क्या नाम है आपका और ये हुआ क्या था पूरी कल रात? मेरा नाम पूनम है जी, मैं वकीलपुरा की रहने वाली हूँ। ये चार लड़के थे मेरे घर में, मेरे को गाली बकरे थे, मेरे बेटे को गाली बकरे थे। अच्छा। फिर हमने, मेरा बेटा तो बाहर ही रहता है जी, तो हमने लेट नहीं जलाई, मैं कभी चक्कू या पी रखी, इन्होंने कभी हमारे पे हमला ना बोल दो। कौन लड़के कौन थे वो? ये था प्रिंस था, रंजीत था, और एक सौरभ था, एक वकील था जी। तो आपके बेटे से मिलने के लिए आए थे? हाँ, मारने आए थे, मेरे लड़कों को मारने आए थे। मारने के लिए? हाँ जी, मेरे लड़कों को। ये जो लड़का है जिसकी डेथ हुई है, ये हमारे जान पहचान का है, हमारी गली में से निकल रहा था, कभी रात होगी। अब कोई बात नहीं, लड़की जिनानी जाते अपने अपने घर जाओ, बस इतने कहते। इसके सिर पे पहले चक्कू मारा, वो बंदा वहीं गिर गया, उठ के जैसे भागा ना, रंजीत और प्रिंस ये तो अपने घर आ गए थे, फिर सौरभ और वकील उसके पीछे भागे, इन्होंने मोहब्बत गली में जाके उसको छुरा मारा, छुरा मारा। और मैं अकेली अरमनीस नाम का लड़का, हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। हाँ, फिर हॉस्पिटल में फ़ोन आता है वकील का मनीष के पास, भाई अब तो इसका नंबर था, अब उसके बाद बिट्टू का नंबर है, जानकी मेरे लड़के। मतलब ये जो जिस लड़के की डेथ हुई है उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट बीच में नहीं थी? नहीं, नहीं उसका कोई रोल नहीं था। कितनी उम्र थी इनकी? उनकी उम्र था भाई, मतलब 50 के लगभग थे, कम। हाँ इतने थे बेचारे, बाल बच्चे। हाँ बाल बच्चे, कोई लड़ाई नहीं। नाम क्या था? दिनेश बता रहे हैं? दिनेश था नाम। दिनेश, और आपके बेटे का नाम क्या? मेरा नाम, मेरे लड़के का नाम बिट्टू है, जिसमें से वो करनाल में नहीं रहता, पूरा करनाल को पता है। हमला बोला बेटे के साथ कोई रंजिश थी? नहीं जी, हम दारू बेचते थे, हमारे को गुप्ते ने बंद करवा दी तुम्हारी दारू, मेरे को घर बैठे पैसा 6,000 महीना देता था। रंजीत नाम का लड़का जो हमारे घर के सामने है, वो रोज कहता था वकील को, पूनम दारू बेचती है, जाके तो उसको गाली दे। कल भी वकील ने यही बात की, मुझे रंजीत बताता है। और प्रिंस, प्रिंस को उनके दोनों के घर गई प्रिंस की माँ के पास, हाथ में मैं दारू नहीं बेचती, मेरे घर क्यों बुलाते गुंडे? ये कौन लड़के हैं, ये कहाँ से आए थे सारे? ये दो लड़के सदर बाजार के हैं, वकील सौरभ और ये रंजीत और प्रिंस हमारे घर के सामने के हैं। तो रंजीत जो आप बता रहे हैं वो किस चीज को लेकर थी आपके बेटे के साथ? वो आप मतलब नू कहते थे दारू बेचते हो, तुम दारू बेचते हो, जिसमें मेरा लड़का पूरा करनाल में गुआ देते, मेरा लड़का यहाँ नहीं रहता। अच्छा, मेरे पास आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा डिलीवरी करता है जी। और ये जो दिनेश है ये क्या काम करते थे? सारे हलवाई का काम? हलवाई का काम करता था बेचारा, ये तो ये सदर बाजार में ये भी रहता था। हाँ, पहले हमारे यहाँ रखे गए, अभी एक ही महीना हुआ अपने घर बनाया। मतलब उनको रोकने के लिए आया था? नहीं रोकने के लिए, गली में से निकल रहे थे, तेरे भाई घर जाओ इतने कहते, उसको कर दिया काम, दौड़े हैं पहले सर पर चाकू मारा पहले, और वो भागा ना जैसे हमारी गली में से निकल के मोहब्बत गली में घेर लिया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम है? पूनम है जी। पूनम है, ये सदर बाजार ही रहते हैं? हाँ जी, मेरे बेटे को भी खतरा है इसमें जी जी। और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं ये पूरा मामला जो आपने अभी सुना, ये मामला देख सकते हैं आया है इस समय सदर जो बाजार की जो चौकी है वहाँ पर, और ये रात का मामला है 12 से 1 बजे का। व्यक्ति की मौत हो चुकी है और उसका शव जो है वो कल्पना चावला के मर्चरी हाउस भेज दिया गया है। और अभी फिलहाल यहाँ पर पूरे मामले को देखने के लिए जो पुलिस है, आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी पहुँची हुई है और साथ साथ परिजन भी अभी अंदर हैं, जो भी काफ़ी सारे जो अभी इस पूरे मामले को जो है पूरी जानकारी पुलिस को दे रहे हैं। जो युवक उनमें से जिन्होंने छुरा वगैरह चलाया है, फिलहाल यहाँ जानकारी बताई जा रही है कि कुछ को दबोच भी लिया गया है, और फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि कुछ अभी बाहर भी हैं, यानी गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन अभी पूरी जानकारी तो पुलिस के अनुसार ही जो है वो मिल सकती है। लेकिन अभी किस तरीके से खुलेआम जो है ये इस तरीके से जो मर्डर के जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अभी फिलहाल सदर चौकी बता दें तो इस इलाके में लगातार इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मामले जो है ऐसे देखने को मिल रहे हैं सदर बाज़ार में, और यहाँ पर लगातार जो ऐसे मामले जो है कई समय से लगातार चल रहे हैं, और फिर से एक मामला जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस चौकी की, जहाँ पर अभी मामले को देखा जाएगा, वो चौकी के इलाके के अंदर ही जो आता है, और अभी
फिलहाल यहाँ पर जो महिला थी जिन्होंने बताया कि उनके बेटे को मारने के लिए कुछ लोग आते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि तोड़फोड़ भी यहाँ पर की जाती है, जो पूरी तोड़फोड़ घर में की जाती है वो भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और ये भी बता रहे हैं आपके घर पे तोड़फोड़ भी करी है उन्होंने? हाँ जी, दरवाजा तोड़ रखा है इन्होंने चारों लड़कों ने। पिछले महीने 24 तारीख को राहुल खजले को भेजा है जी, इसने 11:45 बजे जिस दिन शराब के ठेके बंद थे उस दिन भी गणासी तलवार लेके मेरे घर आए धमकाने के लिए, भी राजीनामा कर लो। और दोबारा फिर उसके बाद ये वहाँ पर एक गरुंडे का बंदा था, उसको रात को फिर वो रास्ते मिल गया, उसके यहाँ मारे उसके 307 केस लगाए, अभी 24 तारीख की बात है। और अभी फिलहाल बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि जो लोग थे वो कितने लोग थे घर पे? चार लोग थे। तो उनमें से पुलिस ने पकड़ा भी है किसी को? हाँ जी, सवेरे पकड़ के लाए, एक प्रिंस को लाए, रंजीत, प्रिंस और रंजीत। हाँ जी। और कौन कौन रह गए हैं? ये रह गए वकील और सौरभ। और यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं ये वो महिला है परिवार की जिनके घर पर वो चार लोग आते हैं, चार बदमाश आते हैं और उसके बाद बता दें तो घर पर दरवाज़ा तोड़ते हैं, जिसके बाद उनके बेटे को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उसे चाकू भी जो है वो मारने का प्रयास करने लगते हैं। तो ऐसे में कोई व्यक्ति आ जाते हैं घर में और बता रहे हैं कि घर में झगड़ा सुनकर वो आते हैं, तो वो व्यक्ति जब रोकता है तो फिर जाकर जो है उसे चाकू मार दिया जाता है। उस मामले से कोई लेना देना नहीं था उस व्यक्ति का, और किस तरीके से किसी के झगड़े को रोकने का प्रयास यहाँ किया जाता है, और ऐसे मामले पहले भी देखे जा चुके हैं जहाँ पर झगड़ा किसी और का होता है, रोकने कोई और जाता है और मौत जो है वो हो जाती है उस व्यक्ति की झगड़ा रोकने के दौरान। अभी फिलहाल लोग जो है यहाँ पर काफ़ी आरोप लगा रहे हैं और शव जो है पुलिस तो उनकी उसी टाइम मौत हो गई थी, हॉस्पिटल लेकर गए। पाँच मिनट बाद हो गई। अच्छा, हॉस्पिटल लेकर गए थे, वहीं पर मौत हो गई। मैं ही लेके गई थी। उनके बच्चे भी हैं? हाँ जी, एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की है। तो वो बता रहे हलवाई का काम करते हैं? हाँ जी, हलवाई का काम। हलवाई का काम करते हैं और उम्र भी लगभग 40 से 45 साल बताई जा रही है। अभी फिलहाल मामला जो है इस चौकी के अंदर है, आपको पूरा मामला फिलहाल आगे की जो कार्रवाई है उसमें बता रहे हैं। अभी लोगों का ये कहना है कि दो लोगों को पकड़ लिया गया है, दो को पकड़ना अभी बाकी है, लेकिन आप सभी से निवेदन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगा आपको ज़रूर देंगे कि किस तरीके से जो है ये पूरा मामला यहाँ पर होता है और पूरी कहानी जो है वो बाद में ही जो है साफ हो पाएगी। आप सभी से निवेदन वीडियो को शेयर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए।